नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में बेगूसराय गोलीकांड के बाद अब अपराधियों ने बिहार के विभिन्न जिलों में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब ताजा खबर बिहार के वैशाली से सामने आ रही है, जहां पर रोड पर कई किलोमीटर तक बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की। आपको बताया कि जहां 13 सितंबर को यानी मंगलवार के शाम में बेगूसराय में कुछ बेखौफ अपराधियों ने 11 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद पूरा बिहार दहल गया। अब उस घटना को एक सप्ताह भी नहीं बीता है कि वैशाली से खबर सामने आई है कि बेखौफ अपराधियों ने हड़कंप मचाने की कोशिश की, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद उस पूरे एरिया में दहशत का माहौल फैल गया है। दरअसल बेगूसराय के बाद अब वैशाली में भी अपराधियों ने दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। सिकड़ी में बाइक सवार अपराधी हाजीपुर मरई रोड पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पासवान चौक की तरफ भाग गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पासवान चौक की तरफ से शहर में घुसते ही एक बाइक पर सवार दो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि शहर में घुसते ही मरई चौक के आदर्श अस्पताल के सामने अंधाधुंध फायरिंग की और गोलीबारी करते हुए राजेंद्र चौक की तरफ बदमाश भाग निकले। लगभग आधे किलोमीटर तक अपराधियों ने हथियार लहराते हुए गोलीबारी की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम मौके पर पहुंचकर अपराधियों के पीछे गई, लेकिन अपराधियों का कुछ पता नहीं चल सका है। लेकिन पुलिस ने पूरे शहर में घेराबंदी कर सीमा को सील कर दिया है। सूचना मिली थी कि यहां फायर कोई किया है, मोटरसाइकिल से आए थे, गोली वहाँ गिरा हुआ था और फिर पोखा और फिर कुछ देर के बाद ये लोग खोजे तो देख करके गए तो पोखा नहीं था और फिर आए ना वहाँ और पोखा आगे में लोग को मिला तो गिरा के दोबारा ही दिया है पोखा। किसी को निशाना बनाया गया कि ऐसे ही रैंडम फायरिंग किया? अभी इसका अभी जांच चल रहा है, अब देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है, कौन था कौन नहीं था इसका जांच किया जा रहा है। खबर वैशाली से सामने आई, जहां पर अपराधियों ने बेखौफ तरीके से कई किलोमीटर तक सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की। हालांकि इसमें किसी भी इंसान को कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, अपना एक कब्जा जमाने के इलाके में कोशिश की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है, पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है, सीमा को घेर दिया गया है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बिहार में बेखौफ अपराधियों का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले बेगूसराय गोलीकांड ने पूरे बिहार को दहला दिया। वहीं बेगूसराय गोलीकांड के 5 दिनों के बाद बेगूसराय से एक और घटना सामने आती है, जहां पर एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। उसके बाद वैशाली से एक घटना सामने आती है, जहां पर लोगों में दहशत और डर का माहौल पैदा करने के लिए बेखौफ अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है, ना कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।